जलापूर्ति करने वाली सरकारी विभाग महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यानी मजेप्रा के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। एक ओर वाड़ी और दौला मिट्टी के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है, दूसरी ओर मजेप्रा यानी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी जल समस्या को हल करने के बजाय ड्यूटी के दौरान ही ढाबे पर शराब पार्टी में मशगूल है। शराब पार्टी का मामला बुधवार का है। गौरतलब है कि वाड़ी दौलामेटी क्षेत्र में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी जल समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। नतीजन लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जबकि अधिकारी ड्यूटी के दौरान दिन दहाड़े शराब के साथ बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। बुधवार को गुप्त सूचना मिली कि दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उप अभियंता नरेश शनवारे के साथ 8-9 अधिकारी और कर्मचारी गोंडखैरी के ढाबे में बैठकर शराब की पार्टी कर रहे हैं। अधिकारी शराब के सेवन में मशगूल थे। शराब का नशा ऐसा चढ़ा कि किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। शराब की पार्टी जोरों पर थी। इसी बीच हमारे संवाददाता ढाबे में पहुंचे और शनवारे से मिले तो उनके होश उड़ गए। अधिकारियों का शराब का नशा उतरने लगा। कोई अधिकारी पैक छोड़कर भागने लगा तो कोई संवाददाता से विनती करने लगा कि वीडियो मत बना। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक महत्वपूर्ण पानी की जिम्मेदारी निभाने वाले सरकारी अधिकारी ड्यूटी के समय शराब के नशे में टुन होंगे व जनता को गंदा पानी पिलाएंगे, क्या यह सही है? जनता ने मांग की है कि सभी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जानकारी के अनुसार अभियंता नरेश शनवारे कुछ ही दिनों में रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायरमेंट के पहले ही एक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण रिटायर्ड कर्मचारी ठेकेदार ने शनवारे और अधिकारियों को शराब की पार्टी दी। पार्टी देना ही था तो रविवार को दे देते, बुधवार को ड्यूटी के दिन ही क्यों दी? अब देखना ये है कि वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं।